नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? और जल्दी जल्दी आप सभी जुड़ जाइए मेरे इस लाइव सेशन से। तो जरूरी बात करने के लिए मैं आप सभी के बीच में लाइव आई हूँ, तो आप सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मेरे जितने दोस्त इस लाइव सेशन से जुड़ चुके हैं, सभी को मेरा प्रणाम है। और बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, दिनेश यादव जी, राहुल प्रभु देवा जी, विकास गुप्ता जी, हेलो, हर हर महादेव, दीपक तिवारी भैया कैसे हैं आप, सिंगर आशीष अलवेला जी, सुनील कुमार जी, कुमार रजनीश जी, संजय कुशवाहा जी, सौरभ पांडे जी, सुभाष यादव जी, बहुत सारे लोग मेरे से जुड़ चुके हैं। हुआ कुछ नहीं है भैया, देखिए वैसे भी मैं लाइव आना तो मैंने ऑलरेडी छोड़ ही दिया था सब तरीके से, लेकिन जब बात आ जाती है कलाकार की तो मुझे लाइव आना पड़ता है। मंच पे कुछ हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ये पता नहीं क्या हो गया है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को, कुछ ना कुछ मंच पे होता रहता है। तो अभी आप सभी ने कल का मंच देखा भी होगा, क्योंकि मुझे भी कितने लोगों ने ये मंच शेयर किया है कि अनुपमा जी ये सब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें हैं हमारी भोजपुरी के लिए, बहुत ये सब चीज़ें बहुत ख़राब हैं। और पहली बात, सबसे पहली बात मैं बोलनी चाहूँगी आदरणीय गोलू राजा जी को। मैं पहले आपको भाई बोलती थी, बट मैं आपको बोलना चाहूँगी स्पेशली कि मैं आपको मंच पे भाई बोलती थी, मैं आपका सम्मान करती थी, मेरे सम्मान में कहीं से आपको कोई कमी नज़र नहीं आई होगी। मैंने जब भी किया है आपका इज्जत किया है, आपका मान सम्मान किया है, लेकिन पहली बात मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि पहले आप लड़कियों की इज्जत करना सीखिए, कि लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो गायक हो, चाहे गायिका हो, चाहे एनीथिंग कोई भी हो, पहले आप इज्जत करना सीखिए। भोला बाबा एंटरटेनमेंट से जुड़ चुके हैं हमारे भैया, और वैसे भी जहाँ तक बात रही कल के कार्यक्रम की, तो मैंने अभी देखा कुछ चीज़ें, तो आपके ये पूर्वी गाने पे बात शुरू नहीं हुई थी गोलू राजा जी, शायद आप भूल रहे हैं कि आपके पूर्वी गाने पे शुरू नहीं हुई थी बात, यहाँ किसी और चीज़ पे शुरू हुई थी, आप भी शायद जानते होंगे। और आप लोग को नहीं पता होगा तो अभी 20 मिनट के अंदर मैं टोटल वीडियो, जो सारा वीडियो है, मैं टोटल वीडियो अपने पेज पे मैं पोस्ट कर रही हूँ, आप लोग उसको देखिएगा, क्योंकि चैनल का बहुत सहयोग, बहुत योगदान रहा है हमारे जीवन में, मैं चैनल की इज्जत करती हूँ, चाहे वो कोई भी चैनल हो, ठीक है। और क्या आप, एक तो पहला चीज आपके डांस, मैं आपको हमेशा मना करती हूँ कि भैया मंच है, अरे यार जब आपको डांस मेरे साथ करना है तो मॉडल को क्यों रखते हैं आप, हटा दीजिए। फिर भी मैं आपका मान सम्मान रखती हूँ, मैं मंच पे एक दो बार ठुमका लगा देती हूँ कि नहीं नहीं आपकी बात हटनी नहीं चाहिए, ठीक है। और जात पात भेदभाव नहीं करती मैं फख्र से कहती हूँ कि मैं कलाकार हूँ, और कलाकार की कोई जात नहीं होती है। और आपने क्या बोला कि आप मुझे पूर्वी मंच पे सिखाएंगे, ठीक है भैया, मुझे जीवन भर सीखना है, मैं सीखूंगी, मैं आपसे सीखूंगी, मैं मेरे से जितने बड़े कलाकार हैं मैं सबसे सीखूंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज हर किसी कलाकार के मुंह से अच्छी लगे। और ऊपर से आप एक डायलॉग मारते हैं कौन सा कि 4 दिन के घोड़ी ओथिए में जाता है, क्या है ये सब, क्या है ये सब, बताइए आप हमको। अभी कुछ दिन पहले आपका बवाल हुआ था निशा जी से, बहुत बम्पर बवाल हुआ था, मुझे लगा कि आप अब संभल जाएंगे, लेकिन नहीं। पहली बात, कार्यक्रम में मंच पे जब आप चढ़ते हैं तो उसका सम्मान कीजिए, आप जो चीज करके चढ़ते हैं शायद आप अपने आपे में नहीं रहते हैं, समझदारों के लिए इशारा काफी है। और आपने क्या बोला कि गोलू राजा के बाद सब है, क्यों आपके बाद है हमारे भरत शर्मा जी, हमारी कल्पना दीदी, हमारी इंदु दीदी, हमारी शारदा सिन्हा जी, हमारी मालिनी दीदी आपके बाद है, आपके ये आपका भ्रम है
कि आप हैं, आप क्या हैं, हम नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि आपसे भी अच्छे अच्छे गायक लोगों। और हाँ, कल आपने एक बात और मंच पे बोली कि मेरे पास गाना ही कहाँ है। अरे मेरे पास कलेक्शन, अरे ठीक है कलेक्शन नहीं है मेरे पास, फिर भी आज भी मेरे स्टेज शोज मार्केट में बसते हैं। मैं फख्र से कहती हूँ कि हाँ, मैंने खेसारी भैया का गाना गा के मैं हिट हुई हूँ, वो भी सबसे पॉपुलर गाना दिल ना लगई है। ठीक है आज मैं अच्छा नहीं गाती, फिर भी लोग मुझे गवाते हैं, मुझे पवन भैया प्यार करते हैं, मुझसे खेसारी भैया प्यार करते हैं, मुझसे कल्लू जी प्यार करते हैं, मुझसे जितने भी बड़े बड़े भोजपुरी के सुपरस्टार हैं मुझसे सब प्यार करते हैं। सिर्फ व्यवहार गायकी और कुछ नहीं, नथिंग। आपने क्या बोला कि एक घंटा मंच नहीं संभाल पाओगी, अरे ठीक है बाबा नहीं संभाल पाएंगे मंच, फिर भी लोग पसंद करता है ना जी। जरूरी है कि जो भी किया जाए वो आपके मन से किया जाए। और दो चार चीजें और भी मैंने आपकी देखी कि आप मंच पे कुछ भी, अच्छा आप डिसाइड करिएगा कि हम क्या गाएं, मंच पे आप हमको सिखाइएगा। कभी आप पर्सनली मुझे फोन किए कि बहन कुछ पूर्वी तैयार कर लो, कुछ निर्गुण नीचा दिखाने का आपका आदत हो गया है। ठीक है मैं नहीं बोलती, मैं आपको, मैंने आज तक कभी लाइव आके मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा है, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं यार ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन आप ये बात भूल गए हैं कि ये लाइव, ये वीडियो, ये स्टेज शो हमारा परिवार भी देखता है। और मुझे, मैं मजबूर हो गई आज ये लाइव आने के लिए, मेरा परिवार देखता। आप क्या बोले कि डुएट मत करो, नहीं करेंगे, कोई परेशान नहीं है आपके साथ डुएट करने के लिए, मैं भी नहीं। अपने आप दो चार गो और बोलते हैं कि घोड़ी पे लगाम ऐसे थी करके, भगवान आपको तो ये भी नहीं पता है कि एक लड़की को किस तरह से मंच पे ट्रीट किया जाता है। और आप एक चीज, आप बैक स्टेज बोले थे, क्या बोले थे माइक हटा के, आज ही है पांच के और चल जाइए डॉट डॉट, क्या है ये सब यार। अरे हम मस्ती मजाक के लिए मंच पे बोल देते हैं, माइक हटा के हम कभी नहीं बोलते। ठीक है अभी पिछले मंच पे एक नृत्यांगना थी, मैं नाम नहीं लूंगी, आपने उनको इतना गंदा वर्ड बोला, उनका गला फंस रहा था, बोली कि मेरा गला खराब है, आपने उनको इतना गंदा वर्ड बोला कि शायद बात कहीं भी आपके प्रोफेशन को सूट नहीं करता है। किस बात का घमंड है आपको, आपके पूर्वी, आपके निर्गुण पर, हाँ आप किसी सब चीज पे आपको घमंड है, छोड़ दीजिए भैया, अच्छी बात नहीं है ये सब। हमको नहीं आता पूर्वी, हमको नहीं आता निर्गुण, हम धीरे धीरे गाएंगे, हम धीरे धीरे गाएंगे, हम धीरे धीरे सीखेंगे और मंच पे हम अच्छा करने कोशिश करेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं कि मुझे कोई पूर्वी, निर्गुण, खिमटा, ये सब चीजें सुनने के लिए हमको नहीं बुलाता है। अनुपमा बहुत छोटी कलाकार है भैया, आपसे बहुत छोटी कलाकार है, आपके सामने जीरो है, आपके सामने नल है, लेकिन लोग उसको पसंद करते हैं। वही पांच गाना सुनने के लिए मुझे लोग बुलाते हैं, वही पांच गाना सुनने के लिए। मत भूलिएगा सिंगरौली के कार्यक्रम में आप गए थे, आप जागरण के मंच से आप भाग आए थे, आप 11 बजे आपने मंच छोड़ दिया था, 10 बजे आप चढ़े, एक घंटा आप गा के हट गए, पूरी रात मैं सिर्फ भजन गाकर 4 बजे तक मैंने कार्यक्रम किया है और भीड़ वैसी की वैसी ही थी। इसलिए कभी घमंड नहीं कीजिएगा गोलू भैया, कई जगह मैंने आपकी इज्जत बचाई है। ठीक है एक बार मैं बलिया में लेट हुई थी, आपने मुझे कितना सुनाया था, ठीक है भाई एक लड़की हूं मैंने गलती किया मुझे सुनना है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं। और आप एक मंच पे एक और बात बोले थे कि ये कि बहुत ही आपने एक बात बोली थी कि ई ना बहन कहली हम, ठीक है भाई मंच पे कोई भाई बहन नहीं, लेकिन मैं जब आपको भाई बोल रही हूं तो आप उसकी तो इज्जत रखिए, उसकी नहीं इज्जत रखिएगा। एक बात और मैं उसी में अब विकी तिवारी जी को शामिल करना चाहूंगी जो कि मंच के बहुत बड़ी उद्घोषक हैं। अयांश वाला जब मैटर हुआ था उसमें भी आप ही ने फूट डाली, आप एक मंच उद्घोषक है ना, आपको चाहिए कि आप मैटर सलटा दीजिए, आपको चाहिए कि आप मैटर खत्म कीजिए, तो आप बता रहे हैं कि महोत्सव में बिस्मिल्ला खां महोत्सव में फलाने गायक आए थे, कल्पना दीदी आई थी, तो ये लोग आए थे, भोजपुरी के धरोहर हैं। ठीक है बिहार दिवस पे हिंदी सिंगर को क्यों बुलाया जाता है, क्यों बुलाया जाता है भाई, हम आपसे पूछना चाहते हैं विक्की तिवारी जी, क्यों बुलाया जाता है बिहार दिवस पे। हाँ बड़े बड़े मंच पे आज भी देखिएगा ना, तो अगर शारदा सिन्हा जी हैं तो सोनू निगम जी भी हैं,
उदित नारायण जी भी हैं, ठीक है ना। और जरूरी नहीं है कि हम जहाँ निर्गुण पूर्वी गाएंगे वहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम जो गाते हैं दिल से गाते हैं, पब्लिक उतने के लिए ही पागल रहती है। बस मेरी जनता है और मेरा, और मैं सच बताऊं, ये जो चीजें आप मंच पे बोलते हैं ना माइक हटा के, मुझे आपसे शिकायत नहीं है, आपके संस्कार वैसे हैं। मैं अब आपको कुछ नहीं बोलूंगी। एक और मंच पे कुछ दिन पहले मेरे से मंच पे गलती हुआ कि आपने बोला कि ढोड़ी जन छिलदा वाला गाना, तो मैंने आपके कहने पे गा दिया था, मैंने गुनगुना दिया था। उसके लिए मुझे लोगों ने बहुत कुछ बोला, पर मैंने आपके लिए बोला कि आपकी इज्जत ना जाए। तो इसका क्या मतलब है, किसी का कहीं भी इज्जत उतार दीजिएगा जी, हाँ कहीं उतार दीजिएगा कुछ भी। और कल कि एक एक पूर्वी सब गए भाई, जो बुलाया है वो गवाएगा, जो बुलाया है अगर बोलेगा कि नहीं अनुपमा जी हम आपसे पूर्वी सुनेंगे, हम आपसे निर्गुण सुनेंगे, हम आपसे भैरवी सुनेंगे, तो पहले हमको बता दिया होता। पर उसकी फरमाइश सिर्फ मात्र चार ही गाने की थी, ठीक है हम अपना नहीं गाते, लेकिन पवन सिंह जी के साथ गाए हैं ना जी, पवन भैया ने गवाया है ना, खेसारी बहन आप इन लोग से ऊपर हैं, ऊपर हैं आप इन लोग से, बताइए। और आप कभी कभी चैनल वालों को भी बोल देते हैं, चैनल वाले नहीं रहते तो आप कोई पहचानता आपको, बताइए कोई पहचानता आपको, नहीं पहचानता, ठीक है ना। तो ये बात जान लीजिए, लड़की हैं हम, इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर है। मेरे अंदर इतना, मेरे माँ बाप ने वो संस्कार नहीं दिया मुझे कि मैं आपको मंच पे अपशब्द बोलूं। मंच पे आपसे गलती में आपकी जबान क्यों लड़खड़ाई, ये बात आप भी जानते हैं कि आप क्या करके मंच पे चढ़े हैं, ठीक है। बुरा से आपका बहुत गंदा वर्ड आपके मुंह से निकला यार, गोलू भाई ब्रांड, गोलू भाई की गायकी लाजवाब, ऐसे करिएगा तो काम चलेगा जी, हाँ किसी को कुछ भी बोल दीजिएगा तो काम चलेगा। खैर चलिए कोई बात नहीं है, हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस यही बोलेंगे कि आप मेरे से बड़े हैं और कहीं ना कहीं हम आपसे सीखते हैं। हम आपको मंच पे भी बोले हैं कि मैं आपको भाई मानती हूँ, मैं आपसे कहीं ना कहीं कुछ सीखती हूँ और आपकी इज्जत करती हूँ, तो उम्मीद है कि आगे से आप किसी कलाकार को उल्टा शब्द नहीं बोलेंगे, ठीक है। बस आप हमसे बड़े हैं, आप हमसे सीनियर कलाकार हैं, कुछ ऐसा करिए ना कि मंच पे जो लोग आपके साथ गाते हैं या गाती हैं आप उनका दिल मत तोड़िए, याद रखिएगा। मंच पे आपके ताली तभी बजता है जब कोई फीमेल सिंगर आपके बगल में आके खड़ी हो जाती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आप कुछ गोलू बोलेंगे, ये जवाब देंगे, तो इसका क्या मतलब आपकी लड़की की इज्जतें उतार दीजिएगा जी, हैं। डांसर लोग को आप क्या क्या नहीं बोलते हैं, बाप रे बाप, उन लोग लड़की नहीं है जी, उन लोग का परिवार नहीं है, उन लोग के पास माँ बाप नहीं है, हाँ। अरे हम तो सोचते थे कि आपकी मेरी जोड़ी लोग दुनिया में पसंद करते हैं, मुझे क्या पता था कि मैं आपको भाई बोलती हूँ आप मेरे से ऐसा बोलेंगे, कुछ भी कहीं भी। और क्या बोलेंगे कि 12 नंबर रींच, ये नंबर रींच, तो याद रखिएगा एक छोटी सी चींटी ना हाथी की अगर सूंड में घुस जाए ना तो हालत खराब कर देती है। मुझे ज्यादा आपसे कुछ नहीं बोलना है, और आपको हम इज्जत करते हैं, आपका कार्यक्रम का इज्जत करते हैं, आपके पूरे लोग का इज्जत करते हैं, लेकिन आगे से अगर कार्यक्रम लगे तो पार्टी को बोल दीजिएगा कि अनुपमा आएगी तो मैं नहीं आऊंगा, ठीक है, बोल दीजिएगा ये बात। आपने बोला है ना कि हमारा फर्क ना पड़े हमारा से केहू गावे अच्छा है ना गावे, तो हम लोग को भी फर्क नहीं पड़ता है गोलू भैया, हम लोग को भी नहीं पड़ता फर्क, पब्लिक जो प्यार करेगी ना। और आपने एक बात और बोली थी शायद कि अगर हम ना खड़ा रहे तो थानी का कार्यक्रम ना हुई, क्यों भाई आपकी वजह से हमारा कार्यक्रम बुक होता है, आपकी वजह से मैं हर जगह जाती हूँ, बताइए मुझे आपकी वजह से जाती हूँ मैं। देखिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहती क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे ये जनता है मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत मान सम्मान रखती है, अब वो नाज करती है मेरे पे कि अनुपमा ऐसा कुछ नहीं हो, इसलिए मैं आपको कुछ बोलूंगी नहीं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। आज भी पवन जी जो गा देंगे, पवन भाई आपसे जीवन में नहीं गवाएगा, और आज भी खेसारी भाई जो फील दे देंगे, जो डांस कर देंगे, जो मंच को जो सजा देंगे ना,
जीवन में आपसे नहीं हो पाएगा, जीवन में, मैं लिख के दे रही हूँ, जीवन में आपसे नहीं होगा। और मैं आपकी तरह 20-25 लोग लेके नहीं चलती, मैं अकेले आती हूँ, मुझे पता है। मैं जहाँ जाऊँगी मुझे प्यार करने वाले करोड़ों हैं, ठीक है। इसलिए ये जान लीजिए कि आप गलती की है, ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए मंच पर। आपको समझाना है, आप अकेले में समझा दीजिए बहन, ये है, और पहले बोल दीजिए, फिर आके गाड़ी में माफ़ी मांग लीजिए, मनोज जी हम पागल हैं जी, सोशल मीडिया पे पूरा इज्जत उतार लीजिएगा, और आके कहिएगा कि ये बाबू गलती हो गया, अच्छा चलो अथिए के ना रहे उथिए के ना रहे कहला। और आपने क्या बोला मंच पे कि फांसी लगाएगी तो गंगा जल, कहला जी फांसी लगाऊंगी तो हमारे घर परिवार मर गए है कि हम आपसे बोलेंगे गंगा जल पिलाने के लिए, बोलिए। कहल जलन कि जा को रखे सही है, मार सके ना कोई, और जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है ना पहले उस गड्ढे में खुद गिरता है, अब बाद में लोग गिरते हैं, याद रखिएगा। आप ब्रांड हैं, बहुत बड़े ब्रांड हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, मेरी आपसे कोई नाराजगी नहीं है गोलू भैया, मगर मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करती हूँ कि लड़कियों की इज्जत करना सीखिए, ताकि अगली बार से कोई अनुपमा, कोई किसी भी कलाकार को आपके मुंह से कुछ अपशब्द ना सुनना पड़े, चाहे वो गायक हो, चाहे गायिका हो, चाहे डांसर हो। सबकी इज्जत करिए गोलू भैया, आपकी माँ मेरी माँ, आपका परिवार मेरा परिवार, ठीक है ना। और मैं नहीं बोलती किसी कलाकार को, लेकिन हाँ कल चंदन जी ने मेरा सहयोग किया, मेरा सपोर्ट किया, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने सपोर्ट किया। और आप क्या कर रहे थे, एक तो आपका डांस, मैं आपको हमेशा मना करती हूँ कि इस तरीके का डांस मत किया करिए गोलू भैया, क्यों बुलाते हैं आप डांसरों को, मत बुलाया करिए, फिर हम ही लोग डांस करें, फिर क्या करना है, ऐसा नहीं कीजिए, अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं बोलना चाहती, मैं रियलिटी बता रही हूँ, मैं जिसे अपना दिल से मानती हूँ मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहती यार, आपको दिल से मानती थी, आपको दिल से अपना बड़ा भाई मानी हूँ, जीवन में हमेशा मानती रहूंगी, लेकिन अब ये जान लीजिए कि एक बार की आपकी गलती नहीं है, आपने हर उस लड़की को जलील किया है। बीच में डांसर थी, मैं नाम नहीं लूंगी, आपने उसको भी मंच पे बहुत कुछ बोला, आपने गायिका को मंच पे बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला, शायद आप फंस भी गए थे बहुत बुरी तरीके से, आज आपने हमें भी बोल दिया। यही है कि आपने अपशब्द नहीं बोला, आपने गाली नहीं दी, लेकिन बोल दिया ना जी, एक झापड़ खींच के मार दीजिए चल जाएगा, लेकिन किसी भी कलाकार को उल्टा शब्द नहीं बोलिए, ठीक है। और आप बोलते हैं ना कि हमारा कोनो दिक्कत नहीं की, हमारा कोनो डुएट गए, तो सुनिए ना, हमको भी शौक नहीं है आपके साथ डुएट करने का, याद रखिएगा। हम जितने में हैं महादेव बनाए रखे, हमारी जनता का प्यार बनाए रखे, और बस माता रानी से यही उम्मीद रहेगा कि अब अगली बार का मंच आपके साथ ना हो, बस। और मैं आपसे ना नाराज हूँ ना दुखी हूँ, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करती हूँ, जितना भी आप मंच पे नौटंकी करते हैं, जितना भी आप मंच पे भगदड़ करते हैं, जितना भी आप मंच साझा हमारे साथ करते हैं, वो सारा वीडियो हमारा परिवार देखता है, और हमारा परिवार आपको बहुत मानता है, लेकिन ये नहीं है कि आप कुछ भी करिएगा। और आपने बहुत कुछ बोला है, खैर मैं क्या आपको बोला, हमारा बात नहीं विक्की भैया, अगर आप गोपाल राय जी को बुला करके ढोड़ी जली सिंगर है शायद भी बोला है, हर किसी के बारे में बुरा ही बोला, तू बुरो मान करते हो, बुरिया मान करते हो, सोनू निगम कबू ने कहले कि हम शंकर महादेव ने ठगा ले, कोशिश
और एक दो चीज और है इनके अंदर कि कभी कभी इनकी कुछ एक्सप्रेशन, कुछ इशारे इतने अजीब तरीके के होते। देखिए भाई, अब मैं ज्यादा कुछ आपको नहीं बोलूंगी गोलू भैया, बस मैं निवेदन यही करूंगी कि आप सुधर जाइए, अच्छे से रहिए, अच्छा अच्छा कार्यक्रम कीजिए, अच्छा अच्छा गाना गाइए। तो ये याद रखिएगा कि आपसे भी ऊपर कोई है, आप परफेक्ट नहीं हो सकते जीवन में, कोई भी इंसान जीवन में परफेक्ट नहीं हो सकता। जो मैं गा सकती हूँ वो आप नहीं गा सकते, और शायद जो आप गा सकते हो मैं नहीं गा सकती कभी लाइफ। और अब क्या बोलते हैं कि आपन गावा, आज आपसे एक बात बोलते, हम कभी नहीं बोलते थे, आप भी तो भिखारी ठाकुर जी, ठीक है, और कमलवास कुंवर जी, सबका तो गाना आप उठा के गाते हैं, अपना क्या गाते हैं जी, अपना गाइए। एक भी गाना आप किसी और का नहीं लीजिए तब मानेंगे आपको, आप भी तो लेके ही गाते हैं। आप तो एक गाना राकेश मिश्रा जी का भी गाते हैं मंच पे। अब मैं क्या बोलूं, जनता समझदार है, खुद जानती है कि आप क्या कर रहे हैं। सो जहां रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपना काम कीजिए। याद रखिएगा हम लड़कियां हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दीजिएगा और हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, उतना ही करेंगे जितना चलने लायक रहे, क्योंकि लड़कियां हैं तो सब कुछ है, सब चीज है हमसे, हमसे आप हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बस इतना ही कहेंगे कि मैं तो जीवन में सीखती हूँ, सीख रही हूँ विकास जी, और हमेशा देती सीखती रहूंगी। और मंच पे मैं उनको भाई बोल रही हूँ, वो मंच पे बोल रहे हैं कि पैसे से लेके मैंने पैसा लिया, तो उन्होंने बोला कि हम देता नहीं, तू हमरा के देबू ना। क्या लीजिएगा जी, अपनी बहनिया से यही लेते हैं आप। खैर छोड़िए, ये सब चीजें हमें नहीं करनी है, और हम ये उम्मीद रखेंगे कि आप भी आज के बाद ये सब चीजें मंच पे नहीं बोलेंगे, अगली बार से बोलिएगा, बाकी जनता है आपको खुद समझा देगी, ठीक है। अब चाहे आप मुझे जो करवा लीजिएगा, लाइव सेशन शेयर करवा करके मुझे गाली सुनवाइएगा, चाहे किसी को कुछ बोलकर कुछ करवा दीजिएगा, मुझे दिक्कत नहीं है, पर आप याद रखिएगा सुधर जाइए गोलू भैया, जिंदगी बहुत लंबी है, आपको भी यही रहना है, हमें भी यही रहना है, आपको भी गाना हमें भी गाना है, ठीक है, बस। और जे बोले ला ओकरा से बोली ला, जे गावे ला ओकरा से हई करे घोड़ी पर से लगा, क्या है यार ये सब, गंदा गंदा वर्ड यूज करते खाली, आप सुधर जाइए। आपसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, अच्छे से आप काम कीजिए गोलू भैया, जीवन भर आपकी इज्जत जैसे थी वैसे ही रहेगी, बस अब दिल आपसे टूट चुका है, याद रखिएगा। चलिए आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्ते। जीवन में आप सभी ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छी चीजों को प्रमोट कीजिए, बुरी चीजों को नहीं, अच्छी चीजों को प्रमोट कीजिए, आप लोग अच्छी चीजों को गढ़ बनाइए, कि हम जानते हैं आप जनता हैं, आप सब जानते हैं, आप किसी लड़की के प्रति आप बेइज्जती महसूस नहीं कर सकते हैं। मैं आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपका परिवार हूँ, ये मेरा जितना फेसबुक लोग सदस्य लोग देख रहे हैं सब मेरा परिवार है। मैं सुबह में एक पोस्ट भी करती हूँ तो अपने परिवार के लिए करती हूँ, बस ठीक है। चलिए आप अच्छे से काम कीजिए, ठीक है, चलिए आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी।